नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manohrraina.com। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्वी ने किस तरह से पेटीएम को करोड़ों रुपये का फ़ायदा करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक देखिए, वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको किस तरह पेटीएम को करोड़ों रुपए का फायदा होगा कार्वी के इस हरकत के चलते हुए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखो कार्वी ने जो डिफॉल्ट किया है, ठीक है, उससे क्या हुआ है, बोन आएगा किसमें, डिस्काउंट ब्रोकर में। अब यहाँ पर देखिए, कॉम्पिटिटिव तो बना रहेगा, यानी कि डिस्काउंट ब्रोकरों में कंपटीशन बनता रहेगा, बना रहेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि कार्वी के फ्रॉड करने के समय ही पेटीएम को भी अब लाइसेंस मिल चुका है। वो कार्रवाई का काम तो अब दोस्तों नए क्लाइंट अब लेना बंद कर दिए हैं, क्योंकि सेबी ने अब बैन कर दिया है। तो ये जो सारा फ़ायदा ये दोस्तों पेटीएम को मिलने वाला है, ठीक है। अब ये दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ HDFC की जो सिक्योरिटी ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसका आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंसोलिडेशन तो बना रहेगा। कंसोलिडेशन मतलब क्या, कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है, किन किन के बीच में, मान लीजिए जीरोदा हुआ, आप स्टॉक हुआ, ये जो अभी रिटेल में ब्रोकर चलते आ रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर चलते आ रहे हैं, इनको अभी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जैसे ही पेटीएम आएगा, पेटीएम भी इनका शेयर हथियाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आ जाए पेटीएम, जिससे कि हम अपना जीरोदा, अप स्टॉक या जहाँ पर भी हमारे अकाउंट से, वहाँ से हम हमारे पेटीएम को चले जाएँ। तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा मैं, कि यहाँ पर देखिए, क्लाइंट को जो नहीं ले पाएगा कौन, सेबी, क्योंकि सेबी ने बैन कर रखा है कार्वी को भी लेने से। अब यहाँ पर ये जो कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों पेटीएम को, क्योंकि पेटीएम दोस्तों एक तो नया रहेगा, उसका टर्मिनल नया रहेगा, हो सकता है वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रोकरेज शुरू में कम कर दे, या हो सकता है कुछ महीने हमें ब्रोकरेज कैशबैक भी दे दे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ देश में क्लाइंट है वो है करीबन जीरोदा के पास, जो कि 11 लाख के आसपास क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों ICICI बैंक का, जिसके पास करीबन 9.5 लाख क्लाइंट जुड़े हुए हैं। HDFC के पास करीबन 6.5 लाख है। शेर खान और ICICI के पास मोटा मोटे 5 लाख क्लाइंट के आसपास है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जीरोदा ने करीबन 68,000 क्लाइंट जोड़े हैं पिछले क्वार्टर में, वहीं अपस्टॉक ने 1 लाख क्लाइंट के आसपास जोड़े हैं, और ICICI ने 29,000 क्लाइंट के आसपास दोस्तों जोड़ रखे हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये खबर क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए खबर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पेटीएम अभी उसने लॉन्च नहीं किया है, कब लॉन्च करने वाला है ये खबर हमें जैसे ही मिलेगी, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू उसी दिन बता दूंगा जिस दिन ये मार्केट में खबर आ जाएगी। तो दोस्तों जिस दिन वो अपडेट करेगा मैं आपको भी जानकारी बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एडवांटेज क्या मिलने वाला है, एडवांटेज हो सकता है दोस्तों हमें कैशबैक मिल जाए शुरू में, या ब्रोकरेज का रिटर्न मिल जाए, या हो सकता है अच्छा टर्मिनल मिल जाए, एडवांस सॉफ्टवेयर मिल जाए, जिससे कि हमें ट्रेडिंग में आसानी हो। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो बटन आता है सब्सक्राइब का, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही पेटीएम अपना ब्रोकर वाला काम स्टार्ट करे मैं वीडियो बना दूँ और आपको वो अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।